शी वॉज मिक्सिंग इट विद हर मॉइस्चराइजर एंड आई वॉज शॉक्ड कि आप ऐसे कैसे दो प्रोडक्ट को मिक्स करके लगा सकते हो. मुझे देख के बड़ी इसमें से वो एक पौवा वाली बॉटल होती है ना, वैसी वाली वाइब्स आती है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फॉर माय वॉइस. मैं जब भी कोई ट्रिप से आती हूँ ना, स्पेसिफिकली जब पहाड़ों से आती हूँ, हमेशा मेरा गला खराब ही हो जाता है बिकॉज वेदर चेंज की वजह से. और उसका ब्लॉग जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. आज मैं बात करने वाली हूँ सम रियली नाइस कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स, और आई शुड से स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स जो मेरे फेवरेट हैं, जो मुझे काफी पसंद आए हैं. मैं इन सबके शॉर्ट रिव्यूज भी देने वाली हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट कि ये सारी ब्रांड्स हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये वाले कोरियन स्किन के ब्रांड्स इजीली अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट होते हैं, प्राइस काफी हाई होता है, इंस्टाग्राम सेलर से लेते हैं तो इश्यू आता है. सो आई फाउंड अ वेबसाइट विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया राइट नाउ, जहां से आप इजीली ये सारे प्रोडक्ट शॉप कर सकते हो, नॉट जस्ट इंटरनेशनल बट नेशनल ब्रांड्स एज वेल. एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज काइंड लाइफ. आपने इनके बारे में इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली देखा होगा बिकॉज मैंने इनके काफी एड्स देखे हैं. मैंने बहुत सारे जो ऑथेंटिक ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती हूँ, मैंने उनकी स्टोरीज पर भी इस वेबसाइट के बारे में सुना है. तो मैंने पर्सनली शॉप किया, मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस भी कैसा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द पैकेजिंग. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट कि इसका नाम काइंड लाइफ क्यों है. सो इट्स बेसिकली अ गो टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारी जो ब्रांड्स मिलेंगी दे आर काइंड, एज इन दे आर इको कॉन्शियस, दे आर क्रुएल्टी फ्री, दे आर टॉक्सिन फ्री, आइदर ऑर्गेनिक और फ्री फ्रॉम ऑल दोज हार्मफुल केमिकल्स. एंड इट्स लाइक अ होल प्लेटफॉर्म जो ऐसी काइंड ब्रांड्स को प्रमोट करता है. दे हैव सम रियली गुड डिस्काउंट्स एज वेल. एंड नॉट जस्ट एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनकी एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे रिव्यू वीडियोज भी देखने को मिलेंगी, और आप भी अपलोड कर सकते हो, अपना रिव्यू डाल सकते हो प्रोडक्ट्स का. तो जो भी कस्टमर होता है ना, उसके लिए इजी हो जाता है देखना कि अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में मैं लेने से पहले एक बार अच्छे से उसका एक शॉर्ट रिव्यू देख लेती हूँ, तो काफी इजी रहता है. मेरे सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे टाइम पे रिसीव हो गए थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा था. आई थिंक विद इन अ वीक मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया था. आई लव द फैक्ट इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है. मैंने कोरियन ब्रांड्स के अलावा और भी ब्रांड्स ऑर्डर करी है, सो एवरीथिंग हैज दिस पेपर थिंग, प्लस दे हैव दिस पैम्पलेट एज वेल, और मेरे दूसरे पार्सल में तो स्टिकर भी आए हैं. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग. नाउ कमिंग टू द ब्रांड्स जो मैंने इस वेबसाइट से शॉप करी है, मैं सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी कि ये इस वेबसाइट पर क्या प्राइस के अवेलेबल है, विद ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. और अगर कोई भी डिस्काउंट कोड होगा, कोई भी डिस्काउंट कूपन होगा, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, सो प्लीज चेक कर लेना. एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द ब्रांड, स्टार्टिंग विद वन ऑफ माय फेवरेट कोरियन ब्रांड. इनफैक्ट ये सबसे पहली कोरियन स्किन केयर ब्रांड थी जो मैंने ट्राई करी थी अपनी लाइफ में, विच इज कॉसारेक्स. ये कॉसारेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर, आई थिंक अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो आपको पता होगा, आई लव दिस वन. मैंने मल्टीपल टाइम्स फीचर किया अपनी वीडियो में. ये सबसे अच्छा क्लेंजर है जो जेंटल भी है, एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी है. ये आपके स्किन के पीएच लेवल को खराब नहीं करेगा, आप इसको मॉर्निंग में यूज कर सकते हो. जेल बेस इसका फॉर्मूला है, काफी अच्छे से फॉर्म हो जाता है, डिसेंट इसमें फॉर्म बनता है. स्किन का जो भी ऑयल डर्ट होती है उसको निकाल देता है. आई कैन सी इंग्रीडियंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल एज वेल, जो एक्ने के लिए भी फाइट करते हैं. आई थिंक एक्ने स्किन अगर आपकी है ना, और आप कोई जेंटल फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आपकी एक्ने स्किन का जो बैरियर है उसको ना खराब करे, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन. दिस इज रियली गुड, और ये अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी काफी सही देते हैं, सो ये डेफिनेटली आपका काफी लंबा भी चल जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कॉसारेक्स हैज टू बी द कॉसारेक्स एडवांस नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस. ओ माय गॉड, इसकी जो हाइप बनी थी ना, अभी भी इसकी काफी हाइप चल रही है, एंड आई कैन डेफिनेटली से द हाइप इज रियल. इनफैक्ट आप सबने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया था ये खरीदने के लिए. दिस इज रियली गुड, काफी लंबा भी ये चल जाता है बिकॉज क्वांटिटी काफी अच्छी है. ये एक एसेंस है, अगर आपको नहीं पता एसेंस क्या होता है और कब किस स्टेप में यूज किया जाता है. सो बेसिक एक स्टेप होता है, सबसे पहले फेस वॉश यूज करते हो, उसके बाद काफी लोग टोनर यूज करते हैं, एंड उसके बाद एसेंस आता है, देन आपके सीरम्स या मॉइस्चराइजर आता है. बट जिस दिन भी मैं इसको यूज करती हूँ ना, मैं सीरम्स को स्किप कर देती हूँ, आई जस्ट यूज अ फेस वॉश, दिस एसेंस, एंड थोड़ी देर बाद ही जब ये एसेंस अच्छे स्किन में चला जाता है, मैं मॉइस्चराइजर और फिर अपने मेकअप के साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ. इफ यू डोंट नो स्नेल म्यूसिन क्या होता है, इसके अंदर 92% प्योर स्नेल का म्यूसिन है. स्नेल का जो म्यूसिन होता है वो बहुत अच्छा एक रिपेयरिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करता है. तो अगर आपकी स्किन का बैरियर खराब हो चुका है, लाइक मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, काफी बार ब्रेकआउट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, या फिर ब्रेकआउट जाने के बाद एक अजीब सी ड्राइनेस हो जाती है. आप काफी बार एक्ने के लिए कम करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हो, लाइक आपने सैलिसिलिक एसिड या फिर कोई पील यूज कर लिया, आपकी स्किन अजीब सी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, उसके ऊपर ये लगाना सबसे बेस्ट होता है. ये उसको रिपेयर करता है, हाइड्रेशन देता है, उसको नरिश करता है. कभी भी कोई रेडनेस होती है ना मेरे एक्ने की, मैं हमेशा उसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज कर लेती हूँ. इसने मेरे रेगुलर एलोवेरा जेल को रिप्लेस कर दिया. दिस इज रियली गुड. इसका टेक्सचर थोड़ा सा गुई है बिकॉज ये स्नेल म्यूसिन है, सो आई जस्ट शो यू द टेक्सचर. लाइक यू कैन सी ऐसे गुई जैसा टेक्सचर है, ऐसे इसके अंदर कुछ
गुई गुई जैसा फील होता है, जो इतना चिपचिप नहीं है, थोड़ी देर बाद ही जब ये स्किन में चला जाता है ना, बहुत अच्छे से आपकी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना, उसी के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये एक नरिश और ग्लो देता है, लाइक ये जो ड्राइनेस है ना उसको बहुत अच्छे से कॉम्बैट कर देता है। इट्स लाइक वाटर फॉर योर स्किन इन समर्स। तो जिनकी भी ऑयली या फिर एक्ने प्रोन या फिर ड्राई स्किन भी है ना, आई थिंक फॉर ऑल स्किन टाइप ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। दीज टू आर डेफिनेटली माई कॉसरेक्स फेवरेट। नेक्स्ट कोरियन स्किन केयर ब्रांड इज समथिंग न्यू जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है, रिसेंटली एज इन 2-3 महीने हो चुके हैं। मैंने लास्ट मंथ के मंथली फेवरेट्स में भी इस प्रोडक्ट को फीचर किया था। ये फ्रॉम द ब्रांड SNP प्रेप, इसका नाम है पेप्टेरोनिक सीरम, एंड लुक एट द क्वांटिटी, जस्ट लुक एट द क्वांटिटी। आपको सेम जो रेगुलर सीरम्स आपको बाकी ब्रांड्स देते हैं वो इतने इतने से आते हैं, उसी प्राइस पॉइंट पे आपको इतनी बड़ी बॉटल मिल रही है, जो लिटरली इट विल लास्ट यू फॉर एंटायर ईयर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके यूज करोगे। सो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे बिल्कुल जेल सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन का एक सीरम है। इट हैज 6 types ऑफ पेप्टाइड एंड 5 types ऑफ हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, रीवाइटलाइज करते हैं, एंड द क्लेम इज एक्चुअली वेरी ट्रू। मैंने लास्ट मंथ जब मंथली फेवरेट्स में फीचर किया था, मैंने तब बताया था, अगर आपने नहीं देखी मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया था, उससे मेरी स्किन पे बहुत बुरा रिएक्शन हुआ था, मेरी स्किन रेड हो गई थी, इचिंग होनी शुरू हो गई थी, ड्राई पैचेस बनने शुरू हो गए थे, और इस सीरम को ही मैंने उस टाइम यूज किया था, मैंने उस टाइम कोई और सीरम नहीं यूज किया, बिकॉज दिस इज रियली ग्रेट टू जस्ट गेट बैक दोज हाइड्रेशन नरिशमेंट जो भी ड्राइनेस की वजह से आ जाती है ना। आई थिंक अगर आप टीनेजर हो, काफी टीनेज ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, वो कहती है कुछ रिकमेंड कर दो कि हमारी स्किन ड्राई है या फिर हमारी स्किन पे डलनेस है, लेकिन हम केमिकल एक्सफोलिएटर नहीं यूज करना चाहते, बिकॉज अभी अर्ली एज है। थिंग इज ऑलवेज अप्लाई इट ऑन स्लाइटली डैम्प स्किन, कुछ भी स्प्रे कर सकते हो या फिर जब फेस वॉश करते हो, हल्का सा फेस आपका गीला होता है तब इसको मसाज करोगे ना अपनी स्किन पे बेटर रहेगा। ये प्लास्टिक पैकेजिंग है तो काफी इजिली स्क्वीज आउट हो जाती है। रियली लाइक द जेल फॉर्मुलेशन, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लाइक अ ड्रिपी ड्रिपी सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, काफी पतला एकदम पानी की तरह है। अगेन इट्स लाइक वाटर फॉर योर स्किन। मैंने अब तक जितने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, लाइक दिस वन वेरी सूदिंग, दिस वन इज अगेन वेरी वेरी सूदिंग। नेक्स्ट कोरियन स्किन केयर ब्रांड इज क्वाइट फेमस इन इंडिया बिकॉज ये काफी टाइम से अब इंडिया में अवेलेबल है और ये आपको काइंड लाइफ पर भी मिल जाएगी, वो है द फेस शॉप। सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे पास फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट रिच क्लेंजिंग ऑयल, एंड ओ माई गॉड द हाइप वॉज रियल। मैंने इसको इतना टाइम तक डिले किया ना, मैंने इसको बहुत मतलब 1-2 साल से मैं सोची थी अब लूंगी और मैं हमेशा डिले कर जाती थी। आई वाज लाइक मैं मेकअप रिमूव करने के लिए ऑयल क्यों लूँ, मैं मेरा ऑलिव ऑयल से काम चल जाता है, बट प्लीज ट्राई दिस वन। ये मैंने 1.5 वीक से यूज करना शुरू किया, यहाँ तक आया, आप देख सकते हो दिस इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी लाइट, ये मतलब वो वैसा वाला ऑयल फील ही नहीं होता जो हैवी होता है, जिसकी विस्कोसिटी बड़ी थिक होती है। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लगती है, मेल्ट हो जाता है एकदम स्किन पे, आईज में टिंगल नहीं करता, और अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है, वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया है, ये ब्यूटीफुली उसको रिमूव करता है। क्लेंजिंग ऑयल अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करना है, आपको सबसे पहले यही लेना, आपको फेस वेट नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा ऑयल लो अपने पाम पे, अच्छे से उसको मसाज करो, स्प्रेड करो, एंड देन स्टार्ट मसाजिंग इट इन टू योर स्किन। उसके बाद आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले सकते हो, कॉटन पैड ले सकते हो, या फिर रीयूजेबल जो क्लॉथ्स होते हैं वो लेके इसको अच्छे से हटाओ। सारा जो आपका मैक्सिमम मेकअप होगा ना वो इससे हट जाएगा। सनस्क्रीन रिमूव करने का भी सबसे बेस्ट ये तरीका होता है, बिकॉज ऑयल क्लेंजिंग से ही आपका जो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन होती है वो रिमूव हो पाती है, अदरवाइज वो आपको पोर क्लॉगिंग भी दे सकती है। उसके बाद मैं माइसलो वाटर यूज कर लेती हूँ हल्का फुल्का, एंड देन आई डू फेस वॉश। तो मैं एक तरह से ट्रिपल क्लेंजिंग करती हूँ, इससे डीपली आपकी स्किन क्लेंज हो जाती है, कोई भी डर्ट ऑयल जो भी डस्ट होती है वो ट्रैप नहीं होती आपकी स्किन पे। सो दिस इज रियली नाइस, एंड अगर मैं 1.5 या फिर 2 वीक्स इसको रेगुलर यूज करी, यू कैन सी द क्वांटिटी खाली यहाँ तक आया है, तो ये काफी लंबा चलने वाला है। इसमें आपको स्टॉपर भी मिलता है, तो आप इसके साथ अगर ट्रैवल करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज ये स्टॉपर से ऐसे लॉक हो जाता है। 1 pump इज गुड टू गो फॉर योर स्किन, सो डेफिनेटली राइस वाटर क्लेंजिंग ऑयल की जो भी हाइप थी, इट इज रियल, दिस इज एक्चुअली नाइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फेस शॉप इज दिस राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसका मैंने ट्रायल साइज ऑलरेडी पहले ट्राई किया हुआ है, तो मुझे पता था ये काफी अच्छी है, तो मैंने रीपर्चेज कर ली काइंड लाइफ से, मुझे रिसेंटली रिसीव हुई है। इनफैक्ट मुझे ये ट्रिपल लेके जानी थी, बिकॉज ये जो क्रीम है ना ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा जैसे ड्राई विंट्री इन्वायरमेंट नहीं होता उस टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, और जब पहाड़ों में जाओ तो ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, बट ड्यू टू सम रीजन ये थोड़ा सा डिले आई थी, बट अब फाइनली रिसीव हो चुकी है। आई ऑल्सो गॉट अ स्टिकर विद दिस, इस वाले ऑर्डर के साथ एक स्टिकर भी आया, विच इज वेरी क्यूट। आई लव सच वेबसाइट जैसे छोटे मोटे एलिमेंट्स ऐड करती रहती हैं। सो दिस बेसिकली सेरामाइड क्रीम, एंड सेरामाइड्स आर अमेजिंग टू जस्ट रिपेयर योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन रियली डीपली। अगेन कोई प्रोडक्ट का रिएक्शन हो गया, फिर आपने कोई एक्ने का सीरम यूज कर लिया, आपकी स्किन ड्राई फील हो रही है, आप रात को ऐसा सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या फिर अगर आपका मेकअप क्रैक होता ना, ऐसा मॉइस्चराइजर एज अ बेस के लिए परफेक्ट रहता है, बिकॉज ये आपकी स्किन को नरिश भी करता है और आपके फाउंडेशन को क्रैक नहीं होने देता। सो इसका जार कुछ इस तरह से है, मैंने इसका ट्रायल साइज ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सो आई नो, तो मुझे ये टेस्ट करके अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक, व्हाइट कलर का इसका एक टेक्सचर है, काफी अच्छे से ये
स्किन में ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत लाइट फील होता है, इट्स नॉट दैट हैवी ग्रीसी वाला मॉइस्चराइजर. सो इट्स लाइक इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम इट्स नॉट ग्रीसी. तो मुझे ऐसे ही मॉइस्चराइजर पसंद है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन. काफी बार जब मैं ऑयली स्किन पे मेकअप करती हूँ फिर वो अजीब सा क्रैक होने लग जाता है. सो मेरी स्किन को ना एक बैलेंस मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है और ये प्रोडक्ट ब्यूटिफुली बैलेंस आउट करता है. सो व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग फेस शॉप ऑन काइंड लाइफ मुझे ये भी दिखा और मुझे काफी टाइम से लेना था तो मैंने फटाफट ये ऑर्डर कर दिया था काइंड लाइफ से. ये है वॉटर टेंट टेंट एक्स इन द शेड, नेम ऑफ द शेड इज रोज पिंक. फेस शॉप के टेंट काफी फेमस है, मुझे काफी टाइम से ट्राई करने थे. दिस आउट द टेंट लुक्स लाइक. इसका कलर है रोज पिंक जो मुझे आई थिंक परफेक्ट लगा अपने लिए. जैसे डो फुट एप्लीकेटर में आता है, मैंने अभी तक अपने फेस पे ट्राई नहीं किया बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. आई फाइंड इट वेरी नाइस एंड लाइट, मतलब ये बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लग रहा. काफी बार जब हैवी टेंट्स लगाओ ना तो अजीब सा फेस रेड रेड हो जाता है, बट लुक एट दिस, इट लुक्स वेरी नेचुरल यार. मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, आई लाइक इट. इट्स नॉट दैट पैची पैची बिल्कुल मेरी स्किन के उसके अंदर लाइन्स के अंदर ये सेटल नहीं हो रहा, बहुत हल्का और नेचुरल लग रहा है. यू विल डेफिनेटली सी मी वेयरिंग इन फ्यूचर. मैं काफी बार रील्स डालती हूँ गेट रेडी विद मी वाली या फिर प्रोडक्ट रिव्यूज करती हूँ यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आप ये देखने वाले हो. और प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे क्वांटिटी भी अच्छी लगी बिकॉज आपको टेंट थोड़ा सा ही चाहिए होता है, हल्का सा टच कराया एंड यू आर गुड टू गो. सो फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक दिस इज एक्चुअली गुड. नेक्स्ट ब्रांड दैट आई सॉ ऑन काइंड लाइफ इज वन थिंग एंड ओ माई गॉड, ये वन थिंग ब्रांड के जो ये वाली बॉटल्स है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी बार देख लेना, इतने सारे स्किन इन्फ्लुएंसर के पेजेस पे, दे ऑल लव्ड इट. काफी स्किन इन्फ्लुएंसर्स को जो मैं फॉलो करती हूँ जो ऑथेंटिक रिव्यूज करते हैं, उन्होंने लिटरली रीपर्चेस किया इसको बार बार. एंड आई वाज लाइक क्या है ऐसा इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस बॉटल, मतलब मुझे देख के बड़ी इसमें से वो एक पौवा वाली बॉटल होती है ना वैसी वाली वाइब्स आती है, बट इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट. और ये प्लास्टिक की बॉटल है, थैंक गॉड ये वो कांच की नहीं है बिकॉज आई थिंक मेरे हाथ से गिर सकती है, मैं थोड़ी सी क्लम्सी हूँ इस मामले में. मैं ऐसी बॉटल्स को फेंकती नहीं हूँ, तो ये मत सोचो प्लास्टिक की है तो कहीं ना कहीं ट्रैश में जा रही है. आई थिंक एज अ कंज्यूमर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चीजों को जितना रीयूज कर पाओ उतना अच्छा है. ऑल्सो मैंने एक स्किन इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पे देखा था, शी वॉज मिक्सिंग इट विद हर मॉइस्चराइजर एंड आई वॉज शॉक्ड कि आप ऐसे कैसे दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके लगा सकते हो. थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेयरिंग अलग चीज होती है लेकिन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करना इज अ डिफरेंट रिस्क. बट मैं गलत थी, इसकी पैकेजिंग पर जो मैंने पढ़ा ये एक्चुअल में एक DIY कॉस्मेटिक के तौर पर आप यूज कर सकते हो. इनके बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट आते हैं, लाइक मेरे पास सेंट्रला एजाटिका का एक्सट्रैक्ट है, सो यू कैन यूज इट टू कंबाइन इन टू कॉस्मेटिक्स लाइक स्किन लोशन क्रीम. और आप इनके और भी एक्सट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हो, लाइक ये सेंट्रला का इनका एक और एक्सट्रैक्ट आता है, आप उनको भी कंबाइन करके लगा सकते हो. कैसे लगाना है इसको, वंस यू ओपन इट यू हैव अ होल राइट हेयर, तो आप इसको कॉटन पैड पे पोर कर सकते हो और फिर इसको स्वाइप अक्रॉस कर सकते हो फेस पे, या फिर आप हाथ पे लेके ऐसे टैप कर सकते हो. मैं हाथ से क्यों नहीं लगाती बिकॉज जब भी मैं इसको ऐसे हाथ पे लेती हूँ ना बहुत सारा स्पिलेज होता है, इधर उधर चीज गिर जाती है, ऐसे ड्रिप ऑफ हो जाती है. सो आई फील लाइक आप इसी के ऊपर कॉटन पैड ऐसे लगा दोगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से अप्लाई होता है और ज्यादा इवन आउट करता है आपकी स्किन को. अगेन सेंट्रला एजाटिका इसके अंदर है 95% विच इज हाई ऑन क्वांटिटी, एंड ऐसा नहीं है 95% है तो बहुत सेंसिटिव कर देगा आपकी स्किन को. इसका काम ही होता है आपकी स्किन को सूथ करना, नरिश करना. सिंथला एजाटिका इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट जिसको सीका भी कहा जाता है, जो आपकी स्किन को सूथ करता है. अगर आपको रेडनेस हो गई है, कोई प्रोडक्ट का रिएक्शन हो गया, इचिंग हो रही है, आपको एक्ने के थोड़े से रेडनेस है, तो ये प्रोडक्ट उस पर ब्यूटिफुली वर्क करता है. मैंने पर्सनली अभी तक इसको इतना ट्राई नहीं किया, आप देख सकते हो मैंने खाली इसको एक या दो बार लगा के देखा है, अब तक मुझे कोई सेंसिटिविटी फील नहीं हुई. बट डेफिनेटली मैं इसका फ्यूचर में रिव्यू करूंगी जब मैं इसको प्रॉपर यूज करूंगी. बट अगर आपने यूज किया प्लीज अपना रिव्यू नीचे डाल देना. आपने कुछ भी मैंने इस वीडियो में जो भी फीचर किया, अगर आपने कुछ भी यूज किया हो ना प्लीज अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाला करो. मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम जस्ट वन ह्यूमन, मैं हर चीज को इनडेप्थ नहीं बता सकती. मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो मैं ट्राई कर पाऊँ मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, लेकिन अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज वो शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट कोरियन ब्रांड जो मैंने रिसेंटली ट्राई करी है, वो है क्लेयर्स की रिच मॉइस्ट सूदिंग क्रीम. सो व्हेन आई वाज सर्चिंग क्लेयर्स ऑन काइंड लाइफ मुझे ये क्रीम दिखी और इसका साइज ये छोटे वाला मुझे दिख गया था जो मुझे पहले ट्राई करना था बिकॉज इसका फुल साइज जो है वो काफी एक्सपेंसिव आता है एंड व्हाट इफ मुझे सूट ना करे, तो मैंने छोटे वाला ऑर्डर कर दिया था और ये मुझे काफी पहले रिसीव हो गया था, तो मैंने इसको अपनी ट्रिप के पाउच में भी रख लिया था. और तीनों दिन पहाड़ों में ट्रिप पर, वहां पर बारिश भी हो रही थी, दिन में धूप भी थी, रात को ठंड हो जाती थी, तो वेदर कंडीशन वहां पे बड़ा अजीब था, तो मुझे एक नरिशिंग मॉइस्चराइजर रखना था और मैंने यही यूज किया. एंड ओ माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर जिसकी वजह से मेरी स्किन नरिश रही, मेरी स्किन पे क्रैक्स नहीं पड़े, अजीब सी इरिटेशन फील नहीं हुई. मुझे रिसेंटली काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे तो मैं काफी अच्छे से अपनी स्किन का भी देख रही थी कि मेरी स्किन थोड़ी सी नरिश रहे जब मैं वहां पर भी मेकअप करूं, और ये काफी हेल्प करा. इनफैक्ट कि मैंने आधी ट्यूब वहीं पर ही खत्म कर दिया बिकॉज इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है. ऑफकोर्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हाई एंड ब्रांड्स में आती है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है. सो ये बेसिक एसेंशियल क्रीम है जो रिप्लेनिश करती है, जेंटल एंड सूदिंग, और इसकी नॉन ग्रीसी फिनिश है विच इज एब्सोल्युटली राइट. ये बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती आपकी स्किन पर. आई जस्ट शो यू द टेक्सचर. मैंने दिन में और रात में यही मॉइस्चराइजर लगाया, लुक एट दिस. इसका टेक्सचर काफी थिक फील होता है बट ये इतना
ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती है ना स्किन में, पता भी नहीं चलती. इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं थी आई गेस, या इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, हल्की हल्की है, आई डोंट नो, या इट हैज जेंटल फ्रेग्रेंस, लेकिन बिल्कुल भी मेरी स्किन को इसने इरिटेट नहीं किया. लव्ड इट. आई थिंक फ्यूचर में अगर इसके फुल साइज पे कोई डील आएगी ना, आई विल बाय इट, बिकॉज मेरे साथ बहुत रेयर ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं जो मेरी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन को सूट करते हैं, जो ऑयली स्किन को ऑयली नहीं बनाते लेकिन एट द सेम टाइम मेकअप ड्राई हो जाता है तो उसको पैची नहीं करते. सो दिस इज अगेन अ रियली नाइस बैलेंस क्रीम दैट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट फ्रॉम काइन. सो दीज आर ऑल माई करंट फेवरेट कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑर्डर टू थिंग्स एज वेल फ्रॉम काइंड लाइफ, बिकॉज मुझे दिख गई थी और डिस्काउंट पे ठीक था, मुझे ट्राई भी करनी थी. सबसे पहले मैंने ऑर्डर करी है फॉक्स टेल की कवर अप SPF 50 PA 4 टाइम्स प्लस डिजिटल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सनस्क्रीन. ये मैंने खुद परचेज करी है बिकॉज काफी लड़कियां मेरे से इससे इसका रिव्यू मांग रहे हैं, बहुत सारा ज्यादा हाइप चल रही है इंस्टाग्राम पे. सो आई थॉट मैं खुद ही लेकर देखती हूँ, आई टेस्टेड एंड आई लेट यू नो कि इसकी क्या हाइप है. फॉर नाउ आई रियलाइज द टेक्सचर. मैंने इसको आते ही स्वॉच भी करके देखा था, इसका काफी पतला क्रीमी क्रीमी जैसा टेक्सचर है. हल्की फुल्की स्टार्टिंग व्हाइट कास्ट फील हो रही थी मुझे, लाइक जब मैं अप्लाई कर रही थी व्हाइट व्हाइट मुझे फील हो रहा था, बट एज सून एज इट गोज इन टू योर स्किन यू कैन सी इतना कुछ व्हाइटनेस फील नहीं होती. इनफैक्ट ये काफी अच्छा एक ड्यूई फिनिश देती है. सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन, आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर यू, बिकॉज मुझे थोड़ी सी हैवी ग्रीसी लगी अपनी स्किन के लिए. फ्यूचर में डेफिनेटली जब मैं और अच्छे से टेस्ट करूंगी आई लेट यू नो. तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था. बाय द वे काइंड लाइफ पे खाली स्किन केयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स नहीं, आप सोचो खाली मेकअप ग्रूमिंग मिलता है, ऐसा नहीं, आपको बहुत सारे ग्रूमिंग टूल्स भी मिलते हैं, आपको न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप खा सकते हो, सप्लीमेंट्स एंड ऑल आते हैं, आपको होम केयर के, होम ग्रूमिंग के, जो भी क्लीनिंग वगैरह के स्टाफ होते हैं जो क्रुएल्टी फ्री होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं, बेसिकली दैट आर काइंड टू एनवायरमेंट एज वेल, वो ब्रांड्स भी आपको काइंड लाइफ में मिलते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट. और लास्ट मैंने ऑर्डर किया था सैनपी का आईब्रो शेपिंग रेजर. इसके अंदर दो रेजर आते हैं, एक मैं अपनी ट्रिप पे ले रही थी बिकॉज बहुत जल्दी मेरी आईब्रोज की ग्रोथ आ जाती है और मैंने यूज ही नहीं किया बिकॉज पहाड़ों में जब जाओ ना तो इन्जॉय करता इंसान, इतना कोई ध्यान नहीं देता घुस घुस के, बट स्टिल मैं उसको लेके गई थी बिकॉज आई रियली लाइक द पैकेजिंग. काफी कॉम्पैक्ट इसकी पैकेजिंग है. सो ऐसा छोटा सा ये रेजर है, इट हैज अ कोम हेड एज वेल, यहाँ पर एक कोम हेड आपको मिलता है और एक प्रोटेक्टिव कैप है, तो आपका रेजर कट नहीं देता है, फिर इधर उधर लगता नहीं है. एंड दिस आर द रेजर लुक्स लाइक. आई ऑलवेज यूज सच रेजर्स फॉर माई आईब्रोज बिकॉज जब मैं बड़ा वाला रेजर यूज कर लेती हूँ ना वो यहाँ पर नहीं जा पाता. यू कैन सी यहाँ पर एक एरिया जहाँ पे बड़ा रेजर नहीं जा सकता, वो इधर उधर कट कर देगा, सेंटर में नहीं जा पाता, तो ये वाला आईब्रो रेजर एकदम परफेक्ट रहता है. ये मुझे काइंड लाइफ पे दिख गया था, नीचे सजेशन में दिख गया था, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे था तो मैंने ले लिया. आई थिंक टिल नाउ आई रियली लाइक इट, शार्प भी है और अच्छे से वर्क भी करता है. एंड दिस वॉज इट फॉर माई कोरियन स्किन केयर रिकमेंडेशन. इसमें से अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है या फिर कोई और आपका फेवरेट कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट हो, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना, डू शेयर योर रिव्यूज एज वेल. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद सम कूपन कोड एज वेल. अगर कोई कूपन कोड होगा आई रीच आउट टू द ब्रांड, आई आज देम अगर कोई कोड लग सकता हो, मेरा कोई कूपन कोड बन जाए तो वो अगर अवेलेबल होगा तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज चेक कर लेना. I'll see you next time. Bye-bye.